नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आप सबके लिए टॉप 500 जीके क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, जो कि नोरसेट 2020 एंड ऑल नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दे। गाइज, टॉप 500 जीके क्वेश्चंस का ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जरूर चेक कर ले। आज अपने क्वेश्चन 101 से लेकर 150 तक सोल्व करने वाले हैं। तो गाइज, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है, वेन वॉज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज टू फॉर्म द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको कब राष्ट्रीयकृत किया गया? राइट आंसर हो जाता है 1955 में। 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसको नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकृत किया गया, ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बनाया जा सके। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्क्विरल नेस्ट इज कॉल्ड, जो स्क्विरल होती है उसका जो घोंसला है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ड्रे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अमंग द 12 गॉड ऑफ ओलंपस द गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव इज, जो ओलंपस के 12 गॉड्स माने जाते हैं उनमें जो ब्यूटी एंड लव का गॉड है वो कौन सा होता है, उनका क्या नाम है? तो एफ्रोडाइट है वो गॉड ऑफ ब्यूटी एंड लव माने जाते हैं। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट सेशन है ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, ये किसके कारण होती है? तो SO2 एंड NO2 के कारण है वो एसिड रेन, अम्ल वर्षा है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट हेल्प्स इन टेलीकास्ट टीवी नेटवर्क प्रोग्राम ऑल आवर कंट्री, जो अपनी कंट्री है इंडिया में, इसमें जो टीवी टेलीकास्ट है, नेटवर्क प्रोग्राम्स है, इसमें कौन सा जो सैटेलाइट है वो हेल्प करता है? इनसेट फर्स्ट बी है, ये सैटेलाइट है वो हेल्प करता है। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू स्ट्रेंथन पावर ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन वाज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, कौन सा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS इज राइट। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आ जाता है, ब्लैंक दिया गया है, इज ए बिग सेंटर फोर रोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट, जो रोल्ड गोल्ड होता है उसके ऑर्नामेंट का सबसे बड़ा सेंटर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है, मछली पट्टनम है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। जो मछलीपट्टनम है ये रोल्ड गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसका एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑथर ऑफ फेमस बुक द हाउंड ऑफ भास्कर विलाई, जो ये बुक है द हाउंड ऑफ भास्कर विलाई, इसके ऑथर कौन है और ये एक फेमस बुक है? राइट आंसर हो जाता है, सर आर्थर केनन डायले। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 110 फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन इंडिया, फर्स्ट फाइव ईयर जो प्लान है, पंचवर्षीय योजना इंडिया में, ये याद रख लेना है, 1951 से लेकर 1956 तक था, गेव इम्पोर्टेंस, उसमें किसको इम्पोर्टेंस दी गई थी? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को इम्पोर्टेंस दी गई थी। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 111 बेलून वाज इन्वेंटेड बाई, जो बेलून है इसकी खोज किसने की, इसको किसने इन्वेंट किया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, जेक्वेस एंड जोसेफ मोंटगोल्फर,
जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे, जो फ्रांस के थे, इन्होंने बेलून का इन्वेंशन किया, बेलून की खोज की 1783 में इसकी खोज की थी, फ्रांस के थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फाउंटेन पेन वाज ग्रेट वर्क ऑफ, जो फाउंटेन पेन है ये किसका ग्रेट वर्क था, यानी इसकी खोज है वो किसने की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लेविस ई वाटरमैन है जिन्होंने 1884 में इसकी खोज की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। ईडन गार्डन इज वन ऑफ द फेमस क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड एट, जो ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन है वो एक फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, और ये कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में स्थित है, इंडिया में कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये किसके लिए लॉन्च की गई थी। प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, कंट्री यानी भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनको प्रमोट करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 115, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, भारत में जो स्टील उत्पादन की इंडस्ट्री है वो किसको इम्पोर्ट करने की उसको रिक्वायर रहती है। कुकिंग कोल है उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है किसको, स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है जो इंडिया की उसको। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है अपने सामने ओपन होकर आ जाता है 116, ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट, जो पृथ्वी के एटमोस्फियर की ओजोन लेयर है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पर इनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती है उनकी एंट्री अर्थ के एटमोस्फियर में प्रिवेंट करती है, इसलिए ये ओजोन लेयर है वो इम्पोर्टेंट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर ऑफ पिन यानी जो पोस्टल कोड इंडेक्स है, पिन की फुल फॉर्म पोस्टल कोड इंडेक्स, पोस्टल इंडेक्स नंबर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पिन, यहाँ पे पिन की जो फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड जोन इन इंडिया, यानी पिन के जो जोन है इंडिया में वो कितने हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है, 9 जोन इंडिया में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड के रखे गए हैं। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है, सेप्टेम्बर 5th इज द सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे ऑन द मेमोरी ऑफ, जो 5 सितंबर है ये टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में मनाया जाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ओपन होकर आ गया है, केरोसिन यूजुअली कंटेन मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन नंबर, जो केरोसिन होता है उसमें यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सर होता है, और जो कार्बन होते हैं उसकी संख्या कितने से कितनी होती है, कार्बन C12 से लेकर जो C16 है, C12 से लेकर C16 है, ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो केरोसिन का मिक्सर होता है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट बैंक है वो कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये इंडिया में फर्स्ट बैंक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है, मिस्टर ओसबोर्न स्मिथ है, ये RBI के फर्स्ट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस देख लेना, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI, RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो कौन थे, तो उनका नाम है CD देशमुख। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBI जो है उसके पहले
गवर्नर जो भारतीय बने थे वो कौन है, तो वो है सीडी देशमुख। और आपसे सीधा पूछा जाए कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, मिस्टर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ओपन होकर आ जाता है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया, पहला बैंक कौन सा था जिसने इंडिया में एटीएम लगाया था, एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो बैंक था एचएसबीसी बैंक, और मुंबई में लगाया था, 1987 में लगाया था। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे पहला जो एटीएम लगाया था, जिस बैंक ने लगाया था, वो कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ बार्कलेस इन 1967 लंदन, लंदन में लगाया था, 1967 में लगाया था, और बैंक ऑफ बार्कलेज ने लगाया था पहला एटीएम वर्ल्ड में, ये ऑप्शन ए है, वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग बैंक इन इंडिया, पहला बैंक कौन सा है इंडिया में जिसने सेविंग बैंक यानी सेविंग अकाउंट ओपन करना शुरू किया, सेविंग बैंक है वो इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 125 है इसका जो आंसर राइट हो जाता है प्रेजिडेंसी बैंक, और ये 1830 में शुरू किया गया था, प्रेजिडेंसी बैंक के द्वारा 1830 में पहला सेविंग अकाउंट शुरू किया गया था। इसके बाद आता है फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया, वो कौन सा पहला बैंक है जिसने इंडिया में फर्स्ट चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे बंगाल बैंक है, 1784 में ने चेक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया था, चेक सिस्टम शुरू किया था, ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जाता है। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग, पहली बैंक कौन सी है इंडिया में जिसने इंटरनेट बैंकिंग है वो शुरू की थी, आईसीआईसीआई बैंक है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, इसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की सेवा है वो शुरू की थी। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड, पहली वो कौन सी बैंक है जिसने म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किए थे, म्यूचुअल फंड है वो शुरू किए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, पहला बैंक जो कौन सा है जिसने इंडिया में क्रेडिट कार्ड शुरू किया था, क्रेडिट कार्ड है वो इंट्रोड्यूस किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया, इंडिया में पहला यूनिवर्सल बैंक कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक है, ये पहला यूनिवर्सल बैंक है जो इंडिया में है। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन बैंक ओपन्ड आउटसाइड द कंट्री, पहला इंडियन बैंक कौन सा है जिसने आउटसाइड कंट्री यानी इंडिया के बाहर भी अपनी शाखा खोली थी, तो वो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और इसने लंदन में पहली शाखा खोली थी, 1946 में खोली थी, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने ओपन होकर आ जाता है, फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में पहला फॉरेन बैंक है वो कौन सा था, तो यहाँ पे जो केम्पटोर डी एस्कैम्पे डी पेरिस है जो फ्रांस की बैंक थी, 1860 में इंडिया में ओपन हुई थी, पहली फॉरेन की बैंक थी, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन बैंक गेट आईएसओ, पहली कौन सी भारतीय बैंक है जिसने आईएसओ मार्क है वो प्राप्त किया था, तो ये यहाँ पे हो जाता है जो केनरा बैंक है, ये राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। फर्स्ट ऑल वुमेन एम्प्लॉयज बैंक इन इंडिया, इंडिया का पहला वो कौन सा बैंक है जिसमें जो एम्प्लॉय है वो सब की सब लेडीज है, तो भारतीय महिला बैंक है, इसमें सब के सब जो एम्प्लॉय है वो वुमेन है, फीमेल है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज ऑक्यूपाइड बाई इंडिया, जो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल है, पूरी दुनिया का एरिया है, उसका कितना परसेंट है वो इंडिया अपने क्षेत्रफल से ऑक्यूपाइड करता है, कितने परसेंट ऑक्यूपाइड करता है, तो पूरी दुनिया का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% है वो इंडिया का क्षेत्रफल है, इंडिया ऑक्यूपाइड करता है, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जनरल एग्रीमेंट ऑन द टेरिफ एंड ट्रेड GATT केम इन टू द एग्जिस्टेंस, किस ईयर में जो टेरिफ एंड ट्रेड है उस पर जनरल एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया था, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वह 1948 में जो
ट्रेड एंड टेरिफ जनरल एग्रीमेंट है, ये फोर्स में आया था, एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ओपन होकर आ जाता है। ए नॉर्मल हेल्दी मैन, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज अबाउट, जो नॉर्मल हेल्दी मैन होता है उसमें ब्लड की कितनी क्वांटिटी होती है, 5 लीटर के समथिंग अबाउट क्वांटिटी होती है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है, द क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप गोज टू, ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, या आपने कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया था। के लैंड स्टीनर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन अपने सामने आता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स अफेक्टेड इन प्लूरिसिटी, प्लूरिसिटी जो डिजीज है इसमें बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो अफेक्टेड होता है, तो प्लूरिसिटी है वो लंग्स की डिजीज है, लंग है वो अफेक्टेड होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अनहैप्पी इंडिया इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाई, अनहैप्पी इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। अनहैप्पी इंडिया ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, द वेन्यू ऑफ फर्स्ट एशियन गेम्स डेट टुक प्लेस इन 1951 वाज, जो फर्स्ट एशियन गेम है ये भी याद रख लेना है, वो 1951 में हुए थे और ये कहाँ पर हुए थे, ये न्यू दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है, ये याद रख लेना है। फर्स्ट एशियन गेम है वो 1951 में हुए थे, दिल्ली में हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। उसके बाद आता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना में है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, VMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसमें भी राइट हो जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये याद कर लेना है, ये IDA का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वाशिंगटन में है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो गाइज आज अपने 150 ही क्वेश्चन लेते हैं, जल्द ही पार्ट थर्ड लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सभी फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर जरूर कर दें। GK के टॉप 500 क्वेश्चन है और ये पूरे पूरे 500 के 500 में करवाने वाला हूँ। हर नर्सिंग और हर कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल आप सबके लिए साबित होने वाले हैं। तो जल्दी आ जाओ तुम नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।